हेलो, गुड मॉर्निंग। और बात करते हैं फिर अपनी वही। देखा था मैंने रात लाइव वीडियो में देखती हूँ, कुछ लोग 4-5 लोग ही हैं जिनका मैं देखती हूँ। और रात मैंने मोटी का भी देखा था। मोटी का तो मैं इसलिए देखती हूँ भाई कि हमारी सायरा जी को क्या कहती है। ठीक है, मोटी कह रही है कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी को गलत बोलूँ। वाह भाई, जमीर गवारा नहीं करता मैं किसी को गलत बोलूं। तो मोटी और बूढ़ी, मोटी मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूं, और क्या गलत बोल सकती हो इससे ज्यादा तुम किसी को? और क्या बोल सकती हो इससे ज्यादा गलत तुम? इसका मतलब कुछ और भी, इससे भी तुम्हारा लेवल गिरा हुआ है कि तुम गलत बोल सकती हो। जो प्रेजेंट में बोल रही हो इससे भी ज्यादा आप गलत बोल सकती हो। इसका जो आप कह रही हो कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं गलत बोल रहा हूँ कल की लाइव में। ठीक है, आओ आओ फास्ट चैनल आइए, फास्ट चैनल आइए, हमारी या लाइव पे आइए प्लीज़, हमारी लाइव पे आइए प्लीज़, आइए ना, आइए ना, प्लीज़ आइए ना, आओ आओ ना। बस देखिए, हर कोई इंसान तुम्हारे जैसा नहीं होता। और वो आपसे कह रहे हैं चैनल वाले कि हमारी बात सायरा जी से हो गई है। फिर जब हो गई है तो हो ही गई होगी ना। मोटी, तेरी अकल वाकई में शरीर के साथ तेरी अकल भी मोटी है, तेरी समझ में बात नहीं आती। एक नई बात और, नई क्या है, तो बस पुरानी लेकिन इन्होंने निकाली है कि सत्तानी साहब जिंदा है। ये कहते 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 चप्पल बन फोड़ चली गई। आज उसकी क्या दशा है समझे? फिर उसने एंड में यही कहा कि नहीं, सत्ता जी साहब को मरे हुए, वो ये कह रही थी अब से पिछले साल कि 2 साल हो गए। पता नहीं कौन कौन सी बात निकाल के ला रही हो, समझ में नहीं आ रहा। अब कहा कि एक नई बात हो, अरे पब्लिक है ये, तुम कहते हो ना सब ये 2 साल पहले यही चप्पल बंद फोड़ने किया था जो तुम दोनों कर रही हो बैठ के। वो भी चली गई, सतानी साहब को मरे हुए 3 साल हो चुके, उसकी उनकी फैमिली 3 साल हो चुके। अब तुम एक नई शगुफा निकाल के लाई हो कि सतानी साहब जिंदा है। हद हो गई है, पैसा मिल रहा है ना, चक्कर ये है कि उनके लिए, उन्हें गलत साबित, उन्हें कुछ भी कहने का पैसा मिल रहा है। नहीं तो अगर कोई बोलता है तो कम से कम एक बात सही भी कहता है। और देखो पिछले बार कितने लोग थे, एक और था वो मैरुल मेहता, पता नहीं कौन कौन थे, 3-4 लोग थे, सब पैसा लेके बोल रहे थे। जो पैसा लेके बोल रहे थे वो बैठ गए। ये पैसा मिल रहा है इन्हें बोलने का। मैं पूरे जोर शोर से विश्वास के साथ ये बात कहती हूँ कि इन्हें गलत बोलने का पैसा मिल रहा है, इसलिए ये इतनी उत्साह के साथ या इतने जोर शोर के साथ ये बोल रही है। समझ गए? अगर ये ऐसा नहीं बोलेंगी तो पैसा मिलना इन्हें बंद हो जाएगा। पक्की बात है कि इन्हें पैसा मिल रहा है। और एक बात बताऊं, कल आपा की सूरत पे तो खाक पड़ गई थी, सूरत ही नहीं दिखी। ऊपर वाले ने ही चाह नहीं चाहा कि इनकी सूरत दिखाई दे। जब ऊपर वाला, वैसे तो ये ऊपर वाला को मानती हैं, सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो, हर बात में उसे ही ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके कहती हैं, लाइव में नहीं कहती। ये नेट प्रॉब्लम थी, ये कह रही हैं कि ऊपर से कोई उंगली करता है लाइव में। अरे यार, कौन लाइव में उंगली करेगा इनकी? कौन कहता है यार, कौन करेगा? अपनी तरफ से अपने आप जो मन चाहा वो बोल देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं। कल उसे बूढ़ी आपा को नहीं आना था लाइव पे, सूरत नहीं दिखानी थी, होगी कोई अजीब सी, कोई ना कोई बात होगी, तो उन्होंने ये बात रख दी कि लाइव पे सूरत नहीं, मतलब मेरा फेस नहीं आ सकता। कोई वजह होगी जो नहीं दिखानी होगी उन्हें, कोई ना कोई बात होगी, है ना? तो उन्होंने ये बात रख दी कि लाइफ पे आ नहीं सकती, नेट प्रॉब्लम है। वाह भाई वाह, क्या मतलब? औरों को कहती हो कि पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है, आप बना रहे हो पब्लिक को बेवकूफ़, समझे?
खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया को डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। ये किया है मैंने सायरा सत्तानी जी से प्यार, मैं डरती नहीं हूँ ऊपर वाले के अलावा, किसी खां से नहीं डरती हूँ, बोलूँगी बराबर बोलूँगी जब तक मुझे लगेगा कि मुझे बोलना है। और बात रही अय्यूब और सायरा जी के मिलने मिलाने की, कि अय्यूब के ऊपर प्रेशर पड़ा अय्यूब इसलिए मिला, जी नहीं, अय्यूब और सायरा जी को मिलाने का श्रेय जो जाता है वो अर्शिया को जाता है। अर्शिया नहीं, अय्यूब जी से मिली है, मिलाने की कोशिश की है, दिलों में दोनों के पछतावा था जब वो उसमें गई थी, कौन सी तारीख पे गई थी किसी केस की, वहाँ पे ही दोनों का चेहरे पे पछतावा था, जो कि अय्यूब ने भी कहा था और सायरा जी ने भी अपनी वीडियो में कहा था। अर्शिया ने दोनों को मिलाने की मेन भूमिका निभाई है, इसमें पूरा श्रेय अर्शिया को जाता है। तुम्हें पता क्या है, तुम्हें तो बोलना है, जो चाहे बोलना है। आज बेटे की बेटी नीचे है मेरे पास, तो ये मुझे परेशान कर रही है और मैं इसकी पिटाई लगाऊंगी, समझे, देख दिखाऊं, ये है आज, ये है, कभी हिला रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, ये है आज, ये है साथ में, है ना, ये कर रही है परेशान मुझे, आज सुबह सुबह आ गई है नीचे। कुछ भी सच नहीं है, अगर सच होता प्रूफ दिखाती, प्रूफ दिखाती, कोई प्रूफ नहीं दिखा रही, कोई प्रूफ के साथ बात नहीं कर रही, जो मन में आता जा रहा है उल्टा सीधा गंदा संदा, मतलब शब्द देखिए आप, शब्द देखिए, है ना। तुम ये सोच रही हो कि मतलब अगर किसी को बुरा कह के सामने वाले को बुरा लगेगा, जी नहीं, जवान आपकी गंदी हो रही है, कहते हैं ना, आप बोल रही हो आपकी जवान गंदी हो रही है, किसी और की नहीं हो रही, जवान आपकी गंदी हो रही है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो जितना गलत बोल सकती हो, जितना गंदा बोल सकती हो बोलो, इससे भी गंदा बोलो मैं कहती हूँ, ताकि समझ में तो आए पब्लिक को कि तुम क्या हो, तुम्हारी असलियत क्या है। आदमी के टॉक ऑफ व्यू से ही पता चलता है कि उसकी असलियत क्या है। खूब बोलो जितना बोल सकते हो गंदा, मैं ताली बजाऊंगी, क्योंकि आज समझदार इंसान वही होता है जो सामने वाले को प्रोवोक करता है और उसके अंदर से वो असलियत निकल के आती है, जैसे बिग बॉस में होता है। ठीक है, तुम्हारी असलियत जो है निकल के धीरे धीरे आ रही है, तुम बोल रही हो, बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। बड़ा अच्छा लगा मुझे कल, मनहूस एक मनहूस सूरत नहीं दिखाई दी, समझे, आवाज़ सुनाई दी, बस, है ना। कर क्या सकती हो, कर तुम कुछ भी नहीं कर सकती, पूरा झुंड आके जब पीछे पड़ा था, पूरा झुंड जब बोला था, कर वो भी नहीं कर पाया था, समझे। और बात आई लीगल कार्रवाई की, वो तीसरी बैठी थी, वो कह रही थी लीगल कार्रवाई कोई नहीं करता, जब लीगल कार्रवाई की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। जी हाँ, यही बात है, सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मोटी से कहो ना वो लीगल कार्रवाई करे, इस बूढ़ी से कहो ना आपस में कि ये लीगल कार्रवाई करे, कोई नहीं करेगा। बोलने को सब बैठ जाते हैं, बकवास करने को सब बैठ जाते हैं, लीगल कार्रवाई करना आसान बात नहीं है। जो किसने की थी, किसने की थी, सना इमरान ने की थी, और कोई नहीं करता लीगल कार्रवाई। हाँ तो बस गलत बोलकर पैसा ही ये लोग ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बस ले लो जितना ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको फिर एक नई सुबह के साथ, नई बातों के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। आज वीडियो बार बार हिली है क्योंकि इसने ट्राइपॉड बार बार हिला रही है, बच्चा है, सॉरी। ठीक है, ओके, बाय।